हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू इन्फिनिटी एकेडमी। फ्रेंड्स, आज IBPS PO 2017 की क्लास का डे 14 है और आज हम करेंगे स्पीड मैथ का पार्ट 2, स्क्वेयर रूट एंड क्यूब रूट ऑफ एनी नंबर। आज मैं आपको बताऊंगा कि कैसे हम स्क्वेयर रूट और क्यूब रूट किसी भी नंबर का विद इन 5 to 10 सेकेंड में निकाल सकते हैं। फ्रेंड्स, अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक करना और शेयर करना ना भूलें। फ्रेंड्स, स्क्वेयर रूट फाइंड आउट करने के लिए आपको सबसे पहले 1 to 9 जो है स्क्वेयर्स पता होने चाहिए नंबर्स के। जैसे 1 का स्क्वायर 1 होता है, 2 का 4, 3 का स्क्वायर 9, 4 का 16, 5 का 25, 6 का 36, 7 का 49, 8 का 64 और 9 का 81। नेक्स्ट फ्रेंड्स, आपको क्या पता होना चाहिए जो इनका यूनिट प्लेस नंबर्स हैं। यूनिट प्लेस मीन्स 1 का क्या है 1 है, 2 का 4 है, 3 का 9 है, 4 का क्या है 4 का 6 है और 5 का देखिए 5 है, 6 का भी 6 है, 7 का देखिए 9 है, 8 का 4 और 9 का 1। अब देखिए 1 किस किस का है। 1 एक तो 1 का ही है और किसका है, 9 का है। अब ऐसे ही देखिए 4 किस किस का है, 4 देखिए एक तो 2 का आ रहा है और एक 8 का आ रहा है यूनिट प्लेस नंबर। ऐसे देखिए 6 देखिए एक 6 का आ रहा है और एक 4 का आ रहा है। ऐसे देखिए फ्रेंड 9 देखिए 3 का आ रहा है और 7 का आ रहा है। तो आपको ऐसे इन नंबर्स को याद रख लेना है, यूनिट प्लेस नंबर्स को। आगे देखिए हम फाइंड आउट कैसे करें। फॉर एग्जांपल हमारे पास ये 4 डिजिट नंबर है, 4489। इसका हमने स्क्वेयर रूट फाइंड आउट कर। अब देखिए फ्रेंड्स, इसका जो फर्स्ट नंबर है वो है 9। तो 9 किसका यूनिट प्लेस पे आता है, तो देखिए 3 के यूनिट प्लेस पे आता है 9, ये देखिए, और एक 7 के यूनिट प्लेस पे आता है 9। अब आपने इसके जो फर्स्ट ये जो 2 डिजिट है ये क्या है, 44 है, इसको देखना है। अब देखिए 44 जो है वो किसके बीच में लाई कर रहा है, 6 स्क्वायर और 7 स्क्वायर के बीच में। देखिए 6 स्क्वायर तो 36, 7 स्क्वायर तो 49, मीन 7 स्क्वायर ज़्यादा हो गए, तो 6 स्क्वायर के आसपास है ये 36। तो या तो आपका नंबर होगा 63 या तो नंबर होगा 67। अब देखिए इसको फाइंड आउट कैसे करेंगे। ये जो नंबर्स हैं, इन दोनों नंबर्स का मल्टीप्लाई कर लो, कितना हो रहा है ये 42। अगर तो ये नंबर इससे ज़्यादा है, मीन्स 44 क्या है ग्रेटर है किससे, 42 से। इसका मतलब क्या हुआ, हमारा जो स्क्वायर आएगा वो बड़ा नंबर आएगा, मीन्स 67 इसका आंसर है, 67 इसका आंसर रहेगा। फ्रेंड्स, इन दोनों नंबर्स को मल्टीप्लाई कर लो, अगर तो ये नंबर इस नंबर से स्मॉलर है तो हमारा बड़ा नंबर, मतलब ये बिगर है अगर इस मल्टीप्लिकेशन से, तो हमारा बड़ा नंबर ही आंसर रहेगा। ऐसे नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं।
नेक्स्ट क्वेश्चन है 7056। अब देखिए सिक्स किसके यूनिट प्लेस पे आता है, एक तो फोर के यूनिट प्लेस पे आता है सिक्स, और एक आता है सिक्स के यूनिट प्लेस पे। अब देखिए ये जो दो नंबर्स हैं ये किसके बीच में लाई कर रहे हैं, 70 ये करेगा लाई 8 स्क्वायर के, और 9 स्क्वायर के। अब देखिए इन दोनों नंबर्स को मल्टीप्लाई किया कितना आया, 72। मीन्स 70 इज लेस देन 72, तो जो हमारा आंसर होगा वो होगा 84, क्योंकि ये नंबर इससे लेसर है तो 84, 86 नहीं होगा, आंसर रहेगा हमारा 84। अगर तो नंबर हो हमारे पास 5 डिजिट नंबर, ये तो 4 डिजिट था, फॉर एग्जांपल 166 41, अगर तो नंबर हो हमारे पास 5 डिजिट। अब देखिए 1 किस किस के यूनिट प्लेस में आता है, एक तो आता है 1 के और दूसरा आता है 9 के। अब आपने इस नंबर को देखना है 166 किसके स्क्वायर में आता है, ये या तो 12 के स्क्वायर और 13 का स्क्वायर, 12 स्क्वायर होता है 144, 13 का 169, मींस 12 या तो हमारे पास इसका आंसर होगा 121 और 129। अब जब देखिए इन दोनों नंबर्स को मल्टीप्लाई जब हम करेंगे तो आएगा 156, 12 × 13 मीन्स 166 जो है ग्रेटर है किससे, 156 के, तो हमारा नंबर जो है बड़ा नंबर आंसर होगा, मीन्स 129 जो है हमारा आंसर होगा। ऐसी एक और एग्जांपल देख लेते हैं, थ्री फोर एट नाइन ले लेते हैं। अब देखिए नाइन किसके यूनिट प्लेस में आता है, थ्री और सेवन के। अब देखिए ये जो थ्री थ्री फोर है ये किसके स्क्वायर में आएगा, 18 स्क्वायर और 19 स्क्वायर। अब देखिए या तो आंसर होगा 183 या आंसर होगा 187। अब देखिए इन दोनों नंबर्स को मल्टीप्लाई किया कितना आएगा, 342, 18 × 19 होता 342, तो जो हमारे पास नंबर है 334 इज लेसर देन 342, मीन हमारा जो आंसर रहेगा वो स्मॉलर नंबर होगा, विच इज इक्वल टू 183। फ्रेंड्स ये तो था स्क्वेयर रूट, अब हम देखते हैं कि क्यूब रूट हम कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं। क्यूब रूट हम कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं, अब देखिए फ्रेंड्स क्यूब रूट फाइंड आउट करने के लिए 1 से 9 तक आप क्यूब रिमेंबर कर लीजिए, जैसे 1 का होता है 1, 2 का 8, 3 का 27, 4 का 64, 5 का 125, 6 का 216, 7 का 3, 4, 3, 8 का 512 और 9 का 729। देखिए फ्रेंड्स 1 का 1 रहता है, देखिए 4 का भी 4 है, 5 का भी 5 है, 6 का भी 6 है और 9 का भी 9 है, इन नंबर्स का तो सेम होता है,
4, 5, 6 and 9 का आप रिमेंबर कर लीजिए। इनका जो यूनिट प्लेस डिजिट है वो क्या रहेगा हमारे पास, एज ए टी सी रहेगा। बाकी का आप रिमेंबर कर लीजिए यूनिट प्लेस डिजिट को। अब देखिए क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन है हमारे पास 2, 2, 6, 9, 8, 1 ये हमने क्यूब रूट फाइंड आउट करना है। अब देखिए यूनिट प्लेस जो है वन किसमें आता है, वन का ही होता है, अभी मैंने आपको बताया यूनिट प्लेस वन वन का ही होता है। और देखिए हमने ये जो फर्स्ट थ्री नंबर्स हैं इनको लेना है, 2, 2, 6। अब देखिए ये किसके नियर, हमारा क्यूब रूट किसके नियर आ रहा है, ये 2, 2, 6 हमारा नियर आ रहा है 6 के क्यूब के, क्योंकि 6 का क्यूब होता है 2, 1, 6। तो हमारा आंसर डायरेक्ट क्या आ गया, 61 का ये क्यूब होगा। देखो कितना सिंपल है, आपको ये 1 से 9 तक रिमेंबर करना है, उसके बाद आपने यूनिट प्लेस लिख देना है और आपने फर्स्ट थ्री नंबर्स देखने कि वो किसके नियर आ रहा है नंबर, वो ही आपका आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, 1, 4, 8 and 8, 7 इसका क्यूब रूट फाइंड आउट करना है। देखिए 7 किसके यूनिट प्लेस में आ रहा है, 7 आ रहा है 3 के यूनिट प्लेस में। ऐसे देखिए 148 किसके क्यूब के आसपास आता है, ये आता है 5 के, 125। अब देखिए इसका आंसर क्या आ गया हमारे पास डायरेक्ट, 53। नेक्स्ट अब देखते हैं कि ये तो 6 डिजिट नंबर था, अगर हमारे पास 5 डिजिट नंबर दिया हो तो उसका क्यूब रूट कैसे फाइंड आउट करते हैं, देख लेते हैं। जैसे कि हमारे पास दिया हुआ है 54872। अब देखिए फ्रेंड्स यहाँ से भी हमने फर्स्ट थ्री डिजिट नंबर लेने होते हैं। देखिए इसका जो है यूनिट प्लेस जो 2 है वो किस केस में आता है हमारे पास, 8 का यूनिट प्लेस देखिए कितना होता है, 2 होता है। अब देखिए हमारे पास नंबर कौन सा, ये 3 तो हमने ले लिया, क्यूब रूट फाइंड आउट कर लें, तो हमारे पास नंबर बचा 54। तो 54 जो है किसका क्यूब के आसपास होता है, 3 के, विच इज इक्वल टू 27। तो इसका आंसर हमारे पास क्या आ जाएगा, 38। फ्रेंड्स अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक करना और शेयर करना ना भूलें। थैंक यू।